हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। डिटरमाइन द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द 40 ओम रेजिस्टर। 40 ओम रेजिस्टर लगाए, इसके अक्रॉस कितनी एवरेज पावर एब्जॉर्ब की जाएगी ये बताना। तो ध्यान से देखो, इसमें इंडिपेंडेंट करंट सोर्स भी दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, ये पीक वैल्यू फॉर्म में मैं यहाँ पर मैंशन कर दूँ पहले ही, पीक फॉर्म में, ठीक है, पीक वैल्यू के फॉर्म में ये। तो मैं क्या करता हूँ आसान बनाने के लिए, सबसे पहले इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ यहाँ पे। इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जे टेन ओम करंट की इससे मल्टीप्लाई करके वो वोल्टेज में चेंज हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 60 एट एन एंगल ऑफ, मैं इसको क्या लिख लूंगा, 10 एट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो 60 और 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इतने वोल्ट। ये आ गए आई नॉट, यहाँ पे देखा है ये जे 20 ओम, ये आ गया 0.5 आई नॉट, फोर्टी ओम, ठीक है। अब इस वाले नोट पे देखो, आई नोट भी आ रही है, 0.5 आई नोट भी आ रही है। तो इस वाले इसमें टोटल करंट कितनी जा रही होगी, इन दोनों का सम आई नॉट प्लस 0.5 आई नॉट, यानी 1.5 आई नॉट, इसमें इतनी करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब केवल लगाता हूँ यहाँ से लेकर मैं चलूँगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आउटर मैश में। तो ये आएगा माइनस 60 एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, प्लस आई नॉट के लिए कौन कौन से, जे 10 माइनस जे 20, इन दोनों से करंट फ्लो रही आई नॉट, और 40 ओम से 1.5 आई नॉट। यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालो, इसको मैं क्या लिख लूँ, माइनस 60 जे हो जाएगा, जे 60, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, ये यहाँ से दोनों जगह से मैं आई नॉट कॉमन ले ले रहा हूँ, तो कितना बचेगा, ये यहाँ से बचा माइनस जे 10, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आएगा कितना, ये हो गया 60 यानी 6, ठीक है, इतने आई नॉट इजिकल्स टू 0। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं इधर ले गया, जे 60 अपॉन 6 माइनस जे 10, ठीक है, ये आ गई आई नॉट की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, आई नॉट की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, एक सेकेंड, ये 60 आएगा यहाँ पे, 40 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ठीक कर लेना, 10 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे बचा 6 माइनस जे, इतने एम्पियर की करंट आ चुकी है आई नॉट की वैल्यू। अब हमें निकालनी है पावर एब्जॉर्ब बाय 40 ओम रजिस्टर। इसको पहले चेंज कर लो किस में, फेजर में चेंज कर लो, इसका ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड 6 ही रहेगा एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, नीचे वाले का हो जाएगा ये 37 और माइनस 4 क्वाड्रेंट में 10 इनवर्स 1/6, तो ये कितना बचा, 6/37 एट एन एंगल ऑफ 90 प्लस 10 इनवर्स 1/6, ठीक है, आई नोट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मान लिया इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज वी आर है, तो वी आर की ये वैल्यू होगी कितनी होगी, 40 से मल्टीप्लाई कर दो करंट में। अभी देखो इसके अक्रॉस करंट कितनी है, 1.5 आई नोट, तो इसके अभी आई आर भी निकालेंगे, ठीक है, जब भी तो हम पावर निकाल पाएंगे। तो पहले 40 मल्टीप्लाई बाय, पहले आई आर की वैल्यू निकालो, आई आर कितनी होगी, तो आई आर जो है 1.5 आई नॉट के इक्वल है, ठीक है, 1.5 आई नॉट, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन रूट 37 90 प्लस। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं एक टिप बताऊंगा, पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे कर सकते थे, और शॉर्ट में आई आर इक्वल्स टू, ये इसकी मल्टीप्लाई करो इस 1.5 की, इसमें ये आएगा 90 हो जाएगा ना, रूट 37 90 प्लस 10 इनवर्स 1/6। ऐसे वी आर निकालो, वी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर इंटू 40, 40 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे,
कितना आ जाएगा ये, 360 अपॉन रूट 37, 90 प्लस 10 इनवर्स 1/6। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, जो आई आर का एंगल है वही बी आर का एंगल है। तो इस रजिस्टर में क्या होता है, दोनों करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कोई भी एक पता होता तो हम उससे निकाल लेते। तो अब देखो निकाल ही लिया, तो इससे निकालते हैं पावर एब्जॉर्ब बाय 40 ओम रजिस्टर कितनी हो जाएगी, हाफ वी आर के एक्रो, वी आर का एम्पलीट्यूड कितना 360 अपॉन रूट 37, आई आर का कितना 9 अपॉन रूट 37, कोस थीटा वी, थीटा वी 90 माइनस दिस है, और 90 माइनस आई का माइनस वोल्टेज माइनस करंट का वो एंगल को माइनस करेंगे कितना आएगा 0 डिग्री। तो ये कितना आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 360, ये हो जाएगा 180। 180 की मल्टीप्लाई की मैंने 9 से डिवाइड बाय 37, 43.78 इतने वॉट। ठीक है, तो जो 40 ओम का रजिस्टर लगा उसके एक्रोस इतनी पावर एब्सॉर्ब होगी। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड था, अगर हम शॉर्ट में करते तो कितना होता, दूसरा तरीका। और हमें केवल वोल्टेज पता लगाने की जरूरत ही नहीं थी, हम क्या करते हैं हाफ मोड ऑफ करंट का स्क्वायर, जितनी उससे करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो उससे फ्लो होने वाले करंट इनटू वो रजिस्टर। ठीक है, अगर ये रजिस्टर की उससे मैं पूछा था हमसे, तो ये आ जाता 20 मोड ऑफ करंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे करंट आई थी हमारी कितनी है, देखो करंट की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से यहाँ पे 1.5 आई नोट मल्टीप्लाई बाय 1.5 इंटू आई नोट आ रहा है, तो 1.5 का स्क्वायर तो मैं बाहर निकाल लूँ। ठीक है, और इसका मोड निकालो, करंट का कितना आया था, J6 अपॉन 6 माइनस J, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.25। ठीक है, इसका मोड निकालेंगे, ये आएगा 6, और ये नीचे कितना आएगा रूट 37। तो इसे हम देखो इस तरह से करते तो इतना ही आएगा, इसके मल्टीप्लाई करो 20 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइड बाय रूट 37, कितना आ जाएगा 43.78 इतने वोट। तो इस तरह से मैंने बताया कि हमेशा ऐसी ना कि वोल्टेज या करंट ही निकालना, अगर कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। देखो कैपेसिटर इंडक्टर का तो हमें क्लियर है, जीरो एब्जॉर्ब पावर एब्जॉर्ब करेंगे, वो एवरेज पावर जीरो एब्जॉर्ब होगी वहाँ पे। इसके लिए हमें निकालने के लिए हमेशा वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं करंट के हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का स्क्वायर इंटू वो दैट रजिस्टर, क्योंकि कोस थीटा भी माइनस थीटा जीरो हो जाएगा ना, तो वो कोस जीरो हो जाएगा यानी वन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो इसी तरह से ये टिप्स याद रखने। ठीक है, इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।